समाइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 7 इनपुट डिवाइसेस में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे नीचे देख सकते हो, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट पेन, बारकोड एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू क्लिक फोटोज ऑन कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में फोटोज क्लिक करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। इसकी ऑप्शन है हेडफोन, वेब कैमरा, स्पीकर्स या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है वेब कैमरा। कि कंप्यूटर के अंदर अगर फोटोज क्लिक करनी है तो उसके लिए वेब कैमरा का प्रयोग होता है। नंबर टू, बार कोड रीडर कंसिस्ट ऑफ डैश। कि बार कोड रीडर में क्या होता है। इसके ऑप्शन है सेंसर, लाइट, हीट या मैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर है सेंसर। अब जो बार कोड रीडर होता क्या है, बार कोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो बार कोड को रीड करने के काम आती है। अब आप सोचो कि बार कोड होता क्या है। आप किसी बड़े मार्ट या स्टोर में जाओ, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो जब बिलिंग करवाते हो तो वो क्या करते हैं, उन्होंने हाथ में डिवाइस पकड़ी होती है जिसमें से लाइट निकलती है, और जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर जेब्रा लाइंस बनी होती हैं। जो जेब्रा लाइंस प्रोडक्ट पर बनी होती हैं उनको बोलते हैं बार कोड। और जिस डिवाइस की मदद से प्रोडक्ट की डिटेल या कीमत पढ़ी जाती है, प्राइस पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो बार कोड को पढ़ने के काम आता है, और बार कोड रीडर में क्या लगा होता है, सेंसर। नंबर तीन, डैश इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इसके ऑप्शन है हेडफोन, कीबोर्ड, माउस या वेब कैमरा। तो इसका सही आंसर है कि माउस। कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम कर्सर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर चार, डैश ही यूज टू एड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर आप टेक्स्ट या पिक्चर्स डालना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज होगी। इसके ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स या माउस। तो इसका सही आंसर है स्कैनर। सो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई फोटो या टेक्स्ट कंप्यूटर में आसानी से अपलोड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। नंबर पाँच, डैश कीज आर यूज टू मूव कर्सर इन ऑल डायरेक्शंस। कि कौन सी कीज़ की मदद से कर्सर को सभी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है एरो, स्पेशल, फंक्शन या न्यूमेरिक। तो इसका सही आंसर है एरो। कि एरो कीज आर यूज टू मूव कर्सर इन ऑल डायरेक्शंस। कीबोर्ड में चार एरो कीज होती हैं, हम देख सकते हो, एक अप होती है, एक डाउन, लेफ्ट और एरो। ये जो कीज़ हैं इनकी मदद से कर्सर को हम एरो के नेम के अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है, डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं। इसका आंसर है इनपुट डिवाइसेस। कि इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन। नंबर टू, डैश इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में आवाज रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। इसका आंसर है माइक। माइक या इसको माइक्रोफोन भी बोल सकते हैं। नंबर तीन, डैश यूज टू प्ले वीडियो गेम्स। अगर आप कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं जॉय स्टिक। नंबर चार, टच पैड यूज इन डैश। कि टच पैड कहाँ पे यूज होता है। इसका आंसर है लैपटॉप्स। कि टच पैड यूज इन लैपटॉप्स। टच पैड माउस की तरह काम करता है, बट जो लैपटॉप है उसमें इनबिल्ट एक फ्लैट पैनल होता है, फ्लैट सरफेस होता है, जिसके नीचे दो बटन लेफ्ट राइट लगे होते हैं, उसको बोलते हैं टच पैड। नंबर पाँच, देर आर डैश फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड। कि कीबोर्ड पे कितनी फंक्शन कीज होती हैं। इसका आंसर है 12, F1 टू F12। कि कीबोर्ड पे 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 से लेके F12, और हर फंक्शन की का अपना एक पर्पज होता है। आगे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कैप्चर पिक्चर्स इन कंप्यूटर। की कंप्यूटर में पिक्चर क्लिक करने के लिए या कैप्चर करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है।
तो इसका आंसर है वेब कैमरा। ठीक, वेब कैमरा ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। नंबर टू, गिव द नेम ऑफ एनी पॉइंटिंग डिवाइस, किसी एक पॉइंटिंग डिवाइस का नाम बताओ। तो इसका आंसर है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस भी है जो कर्सर को कंट्रोल करने के काम आती है। नंबर थ्री, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर ऑन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज होती हैं। तो इसका आंसर है 12। ये कीज आपको सबसे टॉप पे दिख जाएंगी एस्केप बटन की राइट साइड पे। ये कीज F1 से लेके F12 तक होती हैं और हर की का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। नंबर चार, विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स, कि वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। इसका आंसर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो वीडियो गेम खेलने के काम आती है। नंबर पांच, विच कीज आर यूज टू मूव कर्सर, कर्सर को मूव करने के लिए कौन सी कीज यूज होती हैं। इसका आंसर है एरो कीज। एरो कीज कीबोर्ड पे चार होती हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट। जो अप एरो की है वो कर्सर एक लाइन ऊपर लेके जाती है, डाउन एरो की एक लाइन नीचे, और जो लेफ्ट एरो की है वो लेफ्ट साइड मूव करने के लिए, और जो राइट एरो की है वो राइट साइड मूव करने के काम आती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।